सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुधनी दौरा, स्वरोजगार और हितग्राही सम्मेलन में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार भी रहेंगे मौजूद। सीएम रमन सिंह आज रहेंगे राजनांदगांव, गांव के दौरे पर नांदगांव में मोबाइल इतिहास का करेंगे शुभारंभ। 1,80,000 स्मार्टफोन का करेंगे वितरण। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का आज मुंगेली दौरा, चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी और गोंडा का करेंगे दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, अफसरों से लेंगे बाढ़ नियंत्रण की जानकारी। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, 3 घंटे से ज्यादा रहा भगवान भरोसे, निजी कंपनी के कर्मचारी ने नहीं किया काम, बाद में आश्वासन के बाद काम पर लौटे। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग, प्रदर्शनकारी बोले हाईकोर्ट की देखरेख में जांच हो पूरी। बिलासपुर के कोटा में रेणु जोगी की जगह टिकट पाने को लेकर दावेदारी तेज, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तम वासुदेव ने पेश की दावेदारी, कभी जोगी के करीबी रहे वासुदेव। शिवपुरी के खनियादाना में नाबालिग को भगाने के आरोप में आरक्षक पर केस दर्ज, 2 दिन से गैर हाजिर है थाने में पदस्थ ड्राइवर, स्वराज एक्सप्रेस की कोशिश के बाद हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में 108 और 102 सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सरकार की ओर से मांगों पर अब तक नहीं आया कोई ठोस जवाब, मंत्री अजय चंद्राकर ने एम्बुलेंस कर्मचारी संघ पदाधिकारियों से भी नहीं की मुलाकात। और रायपुर में गांजे की तस्करी करते 3 युवक गिरफ्तार, आरोपियों से 37 किलो गांजा बरामद, पूछताछ में बिलासपुर में पाए जाने की बात सामने आई।